हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आपका एक और नई यात्रा में। कह रहा आज अपने पीछे लाइट जल रही है, तो कोई नहीं, थोड़ी है रोशनी आज पीछे वाले घर में जल रही, अपने घर में नहीं जल रही लाइट। ठीक है, ये बात हो गई। और जो काम की बात करनी है वो बात करते हैं कि जो है ध्यान से बात सुनना, वीडियो आखिर तक देखना, वीडियो को अच्छे से समझना आप लोग। ठीक है, हाथ जोड़ते हैं भाई, हाथ जोड़ते हैं, कृपा करो अपने पे। वही कहेंगे कि भाई जितने भी वो है ना, काफ़ी यात्राएं बना चुके हैं। मैंने कहा यार नॉलेज वर्ल्ड पे भी क्यों छोड़े, नॉलेज वर्ल्ड को अकेला, नॉलेज वर्ल्ड पे भी बना दे इस चीज़ को यात्रा, काहे छोड़वा है नॉलेज वर्ल्ड को। तो नॉलेज वर्ल्ड का मैंने कहा यार चलो बना ही देते हैं वीडियो, अब आ गया समय तो बना देते हैं। तो मैंने कहा यार नॉलेज वर्ल्ड पे अब ये वाला वीडियो बना ही देते हैं कि भाई यार ये आसमान क्यों जाता है अपने ऊपर से यार, जब भी वीडियो बनाते हैं ये आसमान। दिखाऊं क्या? दिखा दिखा गया, हाँ दिखाना, आपको आपको दिखाना चाहते हुए दिख गया ना आसमान। आसमान अपने ऊपर से हमेशा गुजरता रहता है, जब जब वीडियो बनाएंगे आसमान अपना गुजरता रहेगा। अच्छा, तो बात ये करनी थी अपने को कि भाई जितने भी जीव जंतु हैं, माफ़ी चाहूँगा जीव जंतु कह रहा हूँ, जितने भी भाई देखो यार एक उम्र होती है जब आप पढ़ाई करो। ठीक है, पर अभी मैं ये सलाह दूंगा कि भाई पढ़ाई करो, इन कामों में कुछ नहीं रखा। ठीक है, जो भी आप ये काम कर रहे हो कि भाई गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है, देखो पढ़ने लिखने की उम्र है तो पढ़ाई पे ध्यान दो यार। ठीक है, कापी किताब खोलो, उससे बड़ा क्या धन मिलेगा, क्योंकि आगे जाके जीवन में आपको ही पछताना पड़ेगा बिना बात के। कुछ आगे जाके पछता के भी क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इससे अच्छा अभी पश्चे अभी इससे अच्छा अभी जो है सुधार कर लो अपने अंदर कि यार हमें नहीं करना टेक्नोलॉजी का प्रयोग, हमें केवल और केवल अपना पढ़ाई पर ही नियंत्रण देना पूरा। पढ़ाई पे दो नियंत्रण पूरा, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा कि आपको जो है ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है करना है, मतलब कि ये सब करनी है अभी चीज़ें। एक उम्र होती है वो उम्र नहीं है अभी। ठीक है, काफ़ी बार ये वीडियो बना चुके हैं कि यार आप करो कुछ करो, पर वही है कि आप लोगों को बोलते हैं हर बार, पर आप लोग नहीं बात का पालन करते, तो फिर दिक्कत है ना। बात तो पालन करो भाई पूरी बात का, जो व्यक्ति सामने बना रहा है वीडियो आप लोगों के लिए, तो पालन में लाओ इन बातों को। ठीक है, तो बात सही लगी हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बात नहीं सही लगी हो तो भी कमेंट बॉक्स खुला है हमेशा की तरह। ठीक है, क्योंकि हम कोई गलत तो नहीं बोलेंगे भाई अपनी जनता के लिए कि भाई अपना कोई फ़ायदा है इस चीज़ में, अपना कोई फ़ायदा नहीं है। मैं हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में पहले हमेशा सोचता हूँ, अपना नहीं फ़ायदा नहीं देखता मैं कभी भी। पता है यहाँ पर सब लोगों को हम अपना कोई मकसद नहीं अपना कि हम अपना ही फ़ायदा सोचेंगे, हमेशा दूसरों का फ़ायदे का ध्यान रखते हैं कि भाई दूसरों का फ़ायदा हो थोड़ा बहुत, तो हम नहीं सोचते कि भाई अपना ही, माफ़ी चाहूँगा कि अपने ही फ़ायदे के बारे में सोचना। ठीक है यार, ये आसमान मैं नहीं दिखाने वाला दूसरी बार, ये फिर गुजरेगा ऊपर से। क्या यार 3 मिनट में यार दूसरा गुजर रहा ऊपर से हवाई जहाज, मैं क्यों दिखाऊँ यार बार बार यार, पता नहीं यार ये क्या दुश्मनी है मतलब आसमान को यार अपने साथ। जब भी वीडियो बनाऊँ यार हमेशा गुजरेगी कोई ना कोई चीज़, है ना। तो वही बात कर रहे हैं यार कि इन सब चीज़ों में कोई कुछ कोई रुचि नहीं है, कुछ नहीं रखा, केवल और केवल एक ही मकसद है आप लोगों का कि कठोर परिश्रम करो, मेहनत करो, और जो है खुद को इस लायक बनाओ कि भाई परिवार का नाम रोशन कर सको। ठीक है, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा। बहुत बार पहले टेक्नोलॉजी वर्ल्ड पे भर भर के टूट टूट के वीडियो बना चुके हैं इन चीज़ों पे कि यार इन चीज़ों से परे हो जाओ यार, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, ना सर है ना पैर है, कुछ नहीं रखा। वही आप लोग बात सुनते हो नहीं मेरी, सुनोगे तो फ़ायदे में रहोगे। तो मतलब ऐसा नहीं कि नहीं सुनते, बात सुनते हो तो परिवर्तन आना चाहिए आपके अंदर, जो नहीं आता कभी भी आता है मतलब, क्योंकि आपको किस्सा सुना देते हैं यहीं पर कि भाई टेक्नोलॉजी वर्ल्ड पे जब हमने ये सारी यात्राएं बनाई ना जागो ग्राहक जागो की, तो कम से कम 20 ऐसे मतलब 20 बच्चे थे जिन्होंने टेक्नोलॉजी छोड़कर कापी किताब और पढ़ाई पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा अब हम नहीं छुएंगे, इतने प्यारे प्यारे भरे भरे
ठीक है, नगमे नगमे कह रहा हूँ मैं भी, हाँ वही नगमे मान के चलो, प्यार के नगमे या फिर प्यार के गीत या फिर प्यार के शोले या फिर भटक रहा हूँ यार, प्यार के गीत नहीं, प्यारे प्यारे वीडियो बना के रखे, कहने का तात्पर्य तात्पर्य ये था, कहना कुछ चाहते हैं हो कुछ और जाता है, कोई ना, अब हमने कर दिया ना उल्टा हो गया था जो, सीधा कर दिया मतलब बातों का, ठीक है, बातें नहीं कर रहे यहाँ पे, काम की बात करें, आपकी फ़ायदे की बात करें। तो ये बड़ा मेरे को अच्छा लगा सुन के कि भाई चलो किसी व्यक्ति को तो प्रभाव पड़ा अपनी जागो ग्राहक जागो यात्रा से, हमने बनाया जनता की सेवा के लिए बनाया, अब नॉलेज वर्ल्ड पे भी लगता है वही कार्य करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं आएगी बात समझ में आपको, क्या समझोगे आप बात, जब तक आपको खुद नहीं समझ में आएगी तब तक आप क्या बात का मूल है मंत्र ये बताओ, कुछ है नहीं है ना कुछ, तो जो बात बता रहे हैं बस सोचना है कि ऐसे ही करना है, ठीक है, मतलब कि जो बात कह रहे हैं बस मानते हैं, बुरी लगेगी बात यार, ये तीसरा आसमान में से गुजर रहा है यार, ये भगवान ये वीडियो के बनाते वक्त ही क्यों गुजरती है यार चीज़ ऊपर से, आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों होता है, खैर कोई बात नहीं है सब तो होता रहेगा। तो वही कह रहे थे, माफ़ी चाहूँगा, उधर क्यों देख रहे थे, वो मैं देख रहा था यार कि लाइट, मैंने बोला भाई आज पीछे वालों को भाई लाइट जला के रखना अपनी, क्योंकि मेरे को वीडियो चाहिए तो वीडियो में रोशनी मिलनी चाहिए थोड़ी बहुत, लोगों को लगे यार कि कुछ है दिख रहा है पीछे से, तो मैंने नहीं बोला फिर भी, मतलब एक मैंने बोला भी है नहीं भी बोला, खैर जाने दो बात। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि भाई जो आप जो ज्ञान की प्राप्ति आपको किताबों से होगी, वो ज्ञान की प्राप्ति कहीं और संसार में नहीं होगी, वक्त का सही उपयोग करना सीख लो, भी से सही मार्ग पे चलोगे तो प्रगति के रास्ते पे जाओगे, गलत एक बार आप चले गए रास्ते पे तो हमेशा के लिए चले गए, ठीक है, गलत रास्ते पे जाके क्या मिला है, दर्दें मिली हैं, ठोकरें मिली हैं, और क्या धोखा मिला है, और क्या कहते हैं, और काफ़ी कष्ट सहने पड़ते हैं, तो आप हमारी बात मान लो तो फ़ायदे में रहोगे, नहीं तो क्या रखा है, ठीक है, पढ़ाई देखो, पढ़ाई तो हर एक व्यक्ति को करनी अपनी जीवन काल में, अगर आप अभी बाल अवस्था में हो, ठीक है, बच्चे हो, मतलब 18 वर्ष से कम के हो, ये नहीं कहूँगा कि 18 वर्ष के हो तब भी, उसके बाद भी नहीं करना, मैं कहता हूँ यार जीवन भर करो यार पढ़ाई का, जो है ना आनंद उठाओ किताबों का, क्योंकि किताबों के अंदर असली सोना छुपा हुआ है, और आप एक जौहर हो, एक जौहर ही असली सोने की पहचान कर सकता है, जब तक आप वो सोने की खुदाई नहीं करोगे ना किताबों के अंदर, तब तक आपको जो है कीमत नहीं पता चलेगी, कितना आपको सोने की कीमत बता रहे हैं, ठीक है, इस बहुत ज़्यादा गहरी बात बोल दी, बात को पता नहीं कितना आया समझ में, बहुत ज़्यादा इन्हीं पंक्तियों में बहुत ही गहरी बात कर दी यहाँ पे हमने भी, यार ये पांचवा आ गया है यार आसमान, ये पता नहीं है क्या यार, आसमान में से आसमान गुजरता रहता है यार, मैं सोचता हूँ यार दिन में बनाएंगे वीडियो तो गुजरेगा, फिर मैंने कहा चलो यार अब रात को बनाते हैं, अब नहीं गुजरेगा, तब भी गुजर रहा है यार, ये हमेशा से है, मतलब जब भी वीडियो बनाऊँगा ये चीज़ तो होने की होने की, ये बात पक्की है कि भाई आसमान तो गुजरेगा ही गुजरेगा, चाहे कुछ भी हो जाए ऊपर से, चलो ये बात भी हो गई। और दूसरी बात कि आपको फिर से कह रहे हैं, एक बार फिर से कह रहे हैं कि भाई अभी भी कह रहे हैं, अभी भी देर नहीं हुई, देखो जहाँ पर अंधेरा है वहाँ पर रोशनी है, जैसे आप देख पा रहे हो अभी हमारे वीडियो में, अभी अंधेरा भी है पर पीछे रोशनी है, उसी तरह ये तो केवल एक उदाहरण है, वो तो आप भी देख पा रहे हो, मैं भी देख पा रहा हूँ, सब लोग देख पा रहे हैं, तो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ये नहीं कह रहा कि भाई पीछे अंधेरा है रोशनी, ये नहीं बता रहा है सब, ये आपको बता रहा हूँ कि भाई जहाँ पे अंधेरा है वहाँ पे रोशनी भी है, तो सही मार्ग पर चलोगे तो जीवन में प्रगति के रास्ते पर जाओगे, गलत राह पर चल के आज तक किसी का कोई भलाई का काम नहीं, भला नहीं हुआ, तो गलत राह पे जाके कोई फ़ायदा लाभ है नहीं वैसे भी, इत्यादि इत्यादि, तो यही कहेंगे कि भाई सही मार्ग पे चलो वही बेहतर रहेगा, यही कहेंगे और क्या कहेंगे, माफ़ कर देना मतलब 2 दिन बाद आ रहा है वाला वीडियो, बीच में अपने यहाँ पे वर्षा हो गई थी, वर्षा लड़की की बात नहीं कर रहा यार, वर्षा यानी बारिश, बारिश का ही दूसरा एक बोलते हैं ना कि भाई वर्षा आ रही, वर्षा मतलब
लड़की नहीं कह रहा, बता रहा हूँ फिर से कि भाई बारिश बारिश को ही वर्षा बोलते हैं। खैर जाने दो वो बात को, वर्षा का मतलब ही बारिश होता है। एनीवे तो मैं यही कह रहा हूँ यहाँ पे कि भाई बारिश भी आ रही थी तो मैं नहीं बना पा रहा था वीडियो, क्योंकि यहाँ पे इतनी बारिश में मैं कहाँ से बनाता। अब नहीं हो रही बारिश तो मैंने कहा चलो यार आज मौका मिला है तो टूट पड़ते हैं, अब वीडियो पे वीडियो छाप मारते हैं। तो अभी आपके सामने आएंगे बहुत सारे आएंगे अन्य वीडियो, देखते रहे यार। ये छठा आसमान जा रहा है यार, मैं क्या यार ये 10 मिनट में भी मेरे को चैन नहीं लेने दिया आसमान ने, आसमान के आसमान जाते रहते हैं। लगता है दिन में ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे हम, क्योंकि दिन में कम उड़ते हैं ये चीज़ें हवा में, रात में इनकी गति ज़्यादा हो जाती है। ठीक है तो अभी भी वही कहेंगे कि देर नहीं हुई, इससे पहले कि इनसे माफ़ी चाहूँगा, इससे पहले कि बाद में आपको जाके पछतावा, आप अभी से ही सुधार कर लो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सही मार्ग पर चलो, घर वालों की बात सुनो, घर वालों की बात सुननी है आपको। ठीक है क्योंकि देखो कई बार घर वाले हो सकते हैं आपको गलत बात भी बोल सकते हैं कि आप अब आप ये काम करो, तो वो काम नहीं करना आपको, आपको फिर भी सोचना है। हर हर इंसान को, हर व्यक्ति को जो है भगवान ने वो दिए सोचने के लिए दिमाग दिए कि भाई दिमाग की खिड़की खोलो, मतलब खोलने को नहीं कह रहा मैं खिड़की, मैं कह रहा हूँ कि सोचा करो कुछ भी करने से पहले। चाहे आपको भले घर वाले कह रहे हैं कि भाई आपको ये चीज़ का ये कार्य करना है, देखो कई बार वो गलत चीज़ें बोलते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि भाई उन्होंने जो चीज़ देखी होगी ज़िंदगी में वो वैसे ही बताएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप अपना भी थोड़ा सोचो कि भाई घर वाले जो कह, हर बार तो सही नहीं होते ना, देखो गलती इंसान से होती है। कई बार घर वाले, कई बार हो सकता है आपको बोल दिया हो कई बार कुछ गलत बात, तो वो आप बात को एक तरह से नज़रअंदाज करो या सोचो उस बात पे कि क्या बोला, फिर आप जो है निर्णय लो इस चीज़ पे कि भाई जो बोला उन्होंने क्या सत्य बोला या क्या उन्होंने क्या बोला उस बारे में, क्या विचार करा, क्या बोला उन्होंने, उन्होंने उन्होंने भी कुछ सोच समझ के बोला होगा वाक्य आपको, तो आपको सोचना है इस बारे में। ठीक है विस्तार से सोचना है कि आप क्या करना है। ठीक है अगर तो आपको लग रहा है कि सोचना है आपको, ये नहीं कि जो बात बोल दी हाँ में हाँ भर दी, ये काम नहीं करना, पहले सोचना है। अरे यार हे भगवान यार ये क्यों आता है यार बीच में यार आसमान भी यार, कितने आसमान गुजर गए आपको आवाज़ से पता चल रहा है, पता नहीं आवाज़ आ भी रही है नहीं भी आ रही, फिर भी मैं मान के चलता हूँ आ रही है यहाँ पे आपको। फिर भी मैं आपको वही कहूँगा कि जो है इन चीज़ों पे ज़रा नियंत्रण रखो। ठीक है अपनी सोच को अच्छा बनाओ, अच्छे मन में विचार लाओ, किताबें पढ़ोगे विचार अच्छे आएंगे। ठीक है मोबाइल में कुछ नहीं रखा, 24 घंटे आप किसी 24 घंटे आप किसी अन्य व्यक्ति को, आप जिसे आप जानते भी नहीं पहचानते भी नहीं, काफ़ी सारे ऐसे भोले भाले बच्चे हैं यहाँ पे। ठीक है मैं मतलब अपने मैं यहाँ पे किसी का मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह रहा, मैं मतलब पूरे पूरी दुनिया को एक तरह से लेकर बात को प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने। 24 घंटे लगे रहेंगे टिक 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 फ़ोन के अंदर, तो क्या मिलता है यार, क्या मिलता है, आंखें ख़राब करोगे, वक्त ख़राब करोगे। ठीक है और कोई गलत काम कर बैठोगे इन चक्रों में, घर वालों की भी बात नहीं सुनोगे, ये ऐसी बीमारी है जो एक बार आदत लग गई तो लग गई यार। क्योंकि जब तक आप अपने अंदर नियंत्रण नहीं लाओगे कि यार नहीं अब नहीं चलाएंगे इस चीज़ को, तो कुछ नहीं होगा। ठीक है आपको नियंत्रण लाना है अपने अपने अंदर विकास का एक मार्ग लाना है अपने अंदर कि ये चीज़ गलत है तो गलत है, साफ सी बात है, गलत है जो चीज़ वो गलत है, उसको नहीं करना आपको। ठीक है जितना भी हमारी बातों से सहमत हो कमेंट कर देना भाई, हमें नहीं पता कितना आप लोग देख रहे हो, कितनी रुचि दिखा रहे हो यहाँ पे, तो कमेंट बॉक्स के अंदर ही पता चलेगा कितनी रुचि है आप इन हमारी बातों के अंदर आप दिखा रहे हो। तो वही कहेंगे कि जो है आपको एक तरह से मान के चलो कि आपको वही मैंने बात कर दी अपनी पूरी, अब देखते हैं कितना आपके अंदर प्रभाव आया। ठीक है मैंने बता दिए कि भाई सही सही है और गलत में बता दिए अंतर, बाकी देखो मैं हम तो बोल ही सकते हैं आपके। ठीक है हम बोल हम अपने विचार प्रकट ही कर सकते हैं, अब
आप लोग हमारी बात कई बार सुन के अनदेखा कर दो तो वो अलग विचार है उन चीज़ों पर, उन पर मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मेरा वीडियो देखने के बाद भी जागरूक रहा इतनी बार बनाया, इतनी बार देखा आपने, वो देखने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद फिर भी अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपके ऊपर, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जो आपको करना है करो यार, आप आज़ाद पंछी हो, आपको जो करना है करो यार। फिर बाद में ज़िंदगी में बहुत आगे जाके जब खुद बात का एहसास होगा कि भाई एक बंदा ठीक कह रहा था उस समय, हमें उनकी बात सुन लेनी चाहिए थी, पर तब फ़ायदा क्या, तब बहुत देर हो चुकी होगी, तब किस चीज़ का फ़ायदा, किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं। तो सुधार अभी कर लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा, कि बाद में करोगे तो क्या कुछ नहीं मिलने वाला, तो अभी के अभी कर दो तो ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे। ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि हर वक्त सही होगा, आपको अपने से सोचना है कि क्या सही है और क्या गलत है आपके लिए। आपके अंदर है उतना ताकत सोचने का कि भई आप उस डिसीजन पे जो भी है आपका क्या कहते हैं, जो भी आपने निर्णय लोगे जीवन में सोच विचार करके, वो सही लोगे एक तरह से, कहने का ये मतलब है। ठीक है, बात बड़ी अच्छे से समझा रहे हैं, किसी पे कोई आरोप नहीं लगा रहे, मतलब बात समझा रहे हैं कि भाई आ रही है ना समझ में, आ रही है तो बता रहे हैं, तीसरी चौथी बार बता रहे हैं, पता नहीं, खैर दूसरी बार ही बता रहे हैं कि भाई कमेंट बॉक्स में मिल जाना, और इतना समझाया तो मिल ही जाना अब तो, बाकी जो भी बात होगी वो आती रहेगी धीरे धीरे, मतलब वीडियो बनाते रहेंगे। चलो मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय, सेवनारा टाटा बाय।